आज हम गांव जा रहे हैं। हमें बहुत दिनों बाद गांव जाने का मौका मिला था। हम लोग सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, परिवार वालों से मिलना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए, सिर्फ फ़ोन पे ही बात होती थी, घर में मिलना ही नहीं हुआ था आमने सामने। तो हम आज जा रहे हैं और सब बहुत खुश हैं। देखिए, आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको अपने ससुराल की सैर कराती हूँ। आपको बड़ा मज़ा आएगा ये ब्लॉग देख के। रास्ते में बहुत खूबसूरत व्यू था, पानी बारिश हो गई है तो सब तरफ हरियाली फैली हुई है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और जो भी रास्ते में मुझे व्यू मिलते जाएंगे, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। ये देख लीजिए, यहाँ बंदर, बहुत सारे बंदर यहाँ पर हो आते हैं। बहुत बंदर होते हैं जिन्हें आप जो भी कुछ खाने का ले आते हैं वहाँ पे नहीं दे सकते हैं। ये देखिए, अब कुछ बंदर तो हमारी गाड़ी के ऊपर चढ़ गए थे। जो मेरी छोटी वाली बेटी बहुत ज़्यादा डर गई और रोने लगी, वो क्योंकि चारों तरफ से गाड़ी को उन्होंने घेर लिया। ये देखिए, आगे जाके एक छोटा मंदिर आता है, बहुत सुंदर है ये मंदिर भी। यहाँ पर ये देखिए, मतलब जो सफ़र हमारा रहता है वो कैसे कट जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। यहाँ आपको लाल मुंह के, काले मुंह के सारे बंदर देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, पूरे गाड़ी पे आके बैठ जाएंगे। हम जब भी यहाँ आते हैं तो इनके लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके आते हैं। इनके खाने के लिए हम जरूर व्यवस्था करके लाते हैं, रोटी, ब्रेड या केले मिल जाते तो केले, बिस्किट हम इनके लिए जरूर रख के लाते हैं। क्योंकि ये लोग देखते हैं, जो भी गाड़ी वाले आते हैं इनको कुछ ना कुछ खाने को देते, तो बड़े खुश होते हैं ये लोग और हमें भी खुशी होती है इनको खिलाने में। देखिए, चारों तरफ से बैठ गए तो डर भी लगने लगा। हमने ग्लास बंद कर लिए थे क्योंकि एकदम से अंदर आ जाएंगे तो फिर क्या, तो हमने थोड़ा सा ग्लास खोल के रखा था बस। इन्हें आप, इन बंदरों का आप हाथ से भी दो तो ये आराम से हाथ से ले लेते, जीना झपटी नहीं करते हैं। तो इतने समझदार हैं वहाँ पर कि आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। आप जो भी खाने को देंगे वो लेके चले जाते हैं बस। चलिए, तो फिर सफ़र वापस शुरू कर दिया, गाड़ी चला दी और हमारा गाँव आ गया था। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है। हम इंदौर में रहते हैं, इंदौर में बारिश बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश थी। और वाकई में जो बारिश, सिटी में सब लोग घर में रहते हैं इतना पता नहीं चलता है बारिश का, लेकिन गांव में पूरा खुला रहता है। और हमारा मकान खेत पे बना हुआ है तो चारों तरफ खुला है, खेती खेत है, देख लीजिए आप। सिर्फ हमारे ही मकान बीच में बना हुआ है तो बहुत अच्छा लगता है बारिश में। अभी आधे खेत में फसल हमने वही, आधे में थोड़ा छूट गया, गीला है इस वजह से। देखिए, ये पीछे का हिस्सा है हमारा, जो ससुराल है उसमें जो पीछे की तरफ का हिस्सा, उधर का बीच में हमारा मकान बना हुआ है। आगे भी खेत है, पीछे भी खेत है, आप देख सकते हैं। दूसरे दिन हम सुबह गए थे नर्मदा जी नहाने, क्योंकि नर्मदा जी हमारे घर के थोड़ा पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आज आराम से जा सकते हैं तो हम सोचा कि नहाया जाए, क्योंकि सोमती अमावस्या जब भी पड़ी थी उसके दूसरे दिन हम लोग गए थे। तो ये देखिए, मेरी बेटियाँ मस्ती कर रही हैं, मेरी ननद की बेटी भी मेरे साथ है, वो भी मस्ती कर रही है इसके पानी में। बहुत मज़ा आता है, गाँव में ज़िंदगी एकदम अलग होती है, सिटी से एकदम डिफरेंट। बहुत मज़ा आता है वहाँ पर, शुद्ध हवा रहती है, खाने पीने का जो सामान रहता है वो भी एकदम शुद्ध और बहुत ही अच्छा होता है, ताज़ा होता है। तो ये मेरी सास बैठी है इधर, वो ननद की लड़की इधर, ये मेरी नंदे हैं दोनों, मेरी चार नंदे हैं, दो नंदे अभी हैं और मैं और मेरी ननद की बेटी। हम खाना बना रहे हैं, हमने बनाई सब्जी, आप देख लीजिए। ये वाले करौंदे बहुत टेस्टी बनते हैं, खट्टे मीठे बनते हैं लेकिन बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। और दाल बाटी चूरमा बन रहा है और इधर हम खीर बना रहे हैं। ये देखिए, बाटी बन गई है, चूरमा कूट रही है मेरी गुड़िया। ये देखिए, बहुत टेस्टी लगता है गांव का चूरमा। आप सिटी में चूरमा बनाते हैं वो चूरमा आपको बिल्कुल ही अलग लगेगा, लेकिन जब गांव का चूरमा आप खाएंगे तो आप टेस्ट में इतना टेस्टी लगता है, बहुत कम घी लगता है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट। गांव का सारे ही खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ये देखिए, हमारी सब्ज़ी बनके एकदम तैयार हो गई और अब दाल बनाना है, तो उसकी तैयारी मैंने करके रख ली थी। बच्चों को थोड़ी भूख लग रही थी तो थोड़े भुट्टे सेके और फिर मैगी बनाई, तो ये बच्चे मैगी पार्टी कर रहे हैं। हम छत पर बैठे हैं, छत पर बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम पर, चारों तरफ से पूरा हरा भरा दिखता है, हरियाली हरियाली दिखती है, खूब अच्छी ठंडी ठंडी हवा लगती है। तो ऊपर जाके हमने मैगी पार्टी की छोटी सी, ये हमारी ननद है और ये उनका बेटा और ये मेरी बेटी है। बहुत मज़ा आता है गांव में परिवार के साथ रहना, और जब पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है तब तो फिर कहना ही क्या। चलिए, मैं आपको अपना खेत दिखाती हूँ, पीछे देखिए। व्लॉग बहुत जल्दी जल्दी बनाया है, बहुत कुछ मैं इसमें नहीं डाल पाई, पर जब भी अगला व्लॉग मैं बनाऊंगी तो आपको सारी चीज़ें बताऊंगी डिटेल में। इसमें आप थोड़ा थोड़ा ही बताया है। देखिए, हम खेत पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कीचड़ था खेत में, तो चप्पलें पूरी कीचड़ में भर रही थी, फिर भी हमने सोचा क्यों ना आए हैं तो एक बार जरूर जाना चाहिए। वो देखो, देखिए ये भी आ गए, ये दोनों आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, देखो कितना ज्यादा हो रही है।
मेरी छोटे नंद की कॉमेंट्री आपने सुन ली होगी, और मेरी चार नंदे हैं। दो नंदों से मैं आपको पहले मिला चुकी हूँ, जब मैं बाटी चूरमा बना रही थी उसमें मेरी दो नंदे थी बड़ी, और ये बाकी दो नंदे और हैं ये बाद में आई थी। हमें फिर देखकर खेत में ये भी आ गए, और इधर हम वापस खेत की तरफ जाने लगे, क्योंकि कभी कभी आते तो अच्छा लगता है खेत पे जाना। बहुत अलग ज़िंदगी होती है गांव की, और बहुत अच्छा भी लगता है। मुझे दोनों तरफ की ज़िंदगी जीने को मिली, सिटी की भी गांव की, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लोग तरसते हैं गांव में आने के लिए, इस तरह का व्यू देखने के लिए, इस तरह की ज़िंदगी जीने के लिए, क्योंकि यहाँ जो सब्ज़ियाँ रहती है वो ताज़ी होती है, ताज़ी तोड़ के हम तुरंत बना लेते हैं, उसका टेस्ट एकदम अलग होता है। घी भी इतना शुद्ध होता है, घर का बना हुआ घी है, दही है, दूध है, सब कुछ, क्योंकि गाय भैंस बंधे हुए तो सब कुछ मिल जाता है तुरंत ही, और सारी चीज़ें शुद्ध मिलती है, हवा भी एकदम ताज़ी होती है, एकदम शुद्ध हवा, तो यहाँ का जीवन बहुत अलग होता है। जो गांव से जुड़े उन्हें पता होगा कि कितना अच्छा लगता है गांव में रहना। और मेरी बच्ची गाय के बच्चे को खिला रही है, क्योंकि ये छोटा बच्चा है तो इसको सभी प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए पीछे का हिस्सा जहाँ भैंसें बंधी हुई हैं, साइड में भी हैं इनके लिए जगह, और साइड पीछे भी थोड़ी सी जगह हमने बनाई हुई है। अब मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ, और आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गांव का व्लॉग मैंने पहली बार ही बनाया है, तो इतना मुझे आइडिया नहीं है व्लॉग बनाने का, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।